सराफा व्यापारी से लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूटे गए 15 लाख के आभूषण बरामद किए गए। छतरपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी 5 आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तलाश जारी है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 15 लाख के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। ये 18 दिसंबर को गत वर्ष एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई थी। बड़ी सनसनीखेज वारदात थी शांति नगर में। जब ये अपने घर जा रहे थे और दो बाइक पे सवार लोगों ने इनके हाथ में डंडे मार के, जिसमें इनको फ्रैक्चर भी आया था, इनका माल लूट लिया था। इसमें धारा 394 आईपीसी के तहत थाना सिविल लाइंस में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ की गई थी और इसमें 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली है। इसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और जो इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें लगभग 14.5 से 15 लाख रुपए का माल बरामद हो गया है। अभी इसमें 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी शेष है, जिसमें 2 जेल में है, एक पृथ्वीपुर में घटना हुई थी उससे संबंधित, और 3 फरार हैं। इन आरोपियों में से 1 जबलपुर का था, 3 जो हैं ये दतिया के हैं और 2 यूपी के हैं। ये जो गैंग है ये बड़ी क्रिमिनल गैंग है। इसने छतरपुर शहर में और अन्य जिलों में कई नकबजनी चोरी की वारदातें भी की हैं। सिविल लाइंस की कुछ महत्वपूर्ण चोरियां भी इनसे खुल रही हैं और अब हमारा टास्क ये है कि जो बचे हुए आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और जो इस प्रकरण में हमारा माल है उसकी बरामदगी की जाए। ये जो आरोपी पकड़ा गया है ये अन्य कई जिलों में भी वांटेड है, जैसे जो पृथ्वीपुर में घटना हुई है उसमें भी ये वांटेड है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।